मेरी मम्मी की एक मतलब उनके बचपन में उन्होंने एक पोइट्री पढ़ी थी हिंदी की, उस कविता को मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पूरा जो कविता है वो नहीं, लेकिन उसकी कुछ जो पैराज है, कुछ लाइंस है जो दिल को छू जाती है, और हमेशा मुश्किल में हमेशा मैं उस चीज़ को मतलब याद करता हूँ। जब भी मुश्किल होती है उस चीज़ को उसकी कुछ लाइंस याद आ जाता है, और फिर करने का जो ये जो मोटिवेशन है ये अपने आप सेल्फ मोटिवेशन मिल जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो लाइंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। कविता का नाम है कर्मवीर, आप में से काफियों ने सुना होगा, बहुत पुराना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने ये चीज़ लिखा हुआ है और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है आपके। देखो मेरे को कविता बोलना तो नहीं आता वैसे, लेकिन कोशिश करूँगा, और आपके तरफ तक अगर वो पहुँच जाती है तो ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करता हूँ। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह हर काल में वे ही दिखे फूले फले। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो सिंह का भी सामना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिसके है जी में यह ठना। कोस कितने भी चले पर वह कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोलवे सकते नहीं। तो कर्मवीर जो है, इस कविता का नाम है, आप इसको सर्च भी कर सकते हो, इसकी मीनिंग को समझो, चाहिए तो आप उसको रिपीट करके एक लाइन को इसका मतलब समझो। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, मतलब समझो इसका कि कितनी भी मुश्किल, बोलने का मतलब यही है, कितनी भी मुश्किल आ जाए हमको उसको आसान करने आना चाहिए, और वो हम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। ठीक, इसमें बहुत सारी जो भी लाइनें हैं ना, मतलब आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम इस चीज़ को आप अगर पढ़ लेते हो तो बहुत हेल्प करेगा ये, और सेल्फ मोटिवेशन देगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन है, कोई और आपको वो मोटिवेशन नहीं दे सकता।